और सबको नहीं बोलेगा 10 दिन पहले तो नहीं जाएगी, अगर कल शादी आज बोलेगा जाएगी। तो केमिस्ट्री के अंदर कितना चैप्टर पढ़ रहा है? 6 चैप्टर, ठीक है ना, 6 चैप्टर। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए जब तक उसके बारे में हम लोग का अच्छा तरह से मालूम नहीं रहेगा तब तक काम नहीं हो सकता। जैसे फौजी में जाना है तो फौजी में जाने क्या होता है, पहले दौड़ निकालना पड़ता है, मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, तब ना लोग जाता है। डायरेक्ट चाहेगा चल जाए फौजी में, जाना ज़्यादा हिंदुस्तान में चले जाएगा पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान वाला मार देगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। तो कोई भी काम करने के लिए क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। शादी ब्याह का देख लो, नहीं मुँह फुलाई बढ़ जाएगी, बोलेगा ना हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोग का कुछ दिन पहले बोलना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कोई भी काम है तो उसको करने के लिए उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेना पड़ता है, ठीक है, तभी होता है। ये हो गया चैप्टर। चैप्टर में कैसे यहाँ पे है कि केमिकल रिएक्शन आने की वजह से इसमें क्या रासायनिक, रासायनिक मतलब क्या होता है रसायन, यानी इसमें बोल रहे कि अगर दो कंपाउंड्स मिलकर एक नए कंपाउंड्स का उत्पत्ति करता है उसे बोलते हैं अभिक्रिया, ठीक है ना। अभिक्रिया मतलब क्या होता है, एक दूसरे को मिलाना बोलते हैं अभिक्रिया, ठीक। तो इसमें सिर्फ पढ़ना अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर एसिड बेस और साल्ट। अब एसिड मतलब का तेजाब, ठीक है ना, बेस मतलब का क्षारक यानी क्षार चीज, और लौण, लौण मतलब का नमक होता है। यानी ये तीन गो चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में। थर्ड में यहाँ पढ़ना है कि मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना, यानी धातु और अधातु, यानी धातु क्या है, अधातु क्या है, और उपधातु क्या है। क्योंकि इंसान भी होता है कि 3-4 तरह का होता है, इस तरह यहाँ धातु भी है। धातु किसे कहते हैं, अधातु क्या है, तो इस सब के बारे में पढ़ना है, ठीक। चार में पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें क्या है कार्बन, यानी कार्बन के बारे में, कार्बन क्या एक तत्व है, एक अधातु है, इसके बारे में पढ़ना है कि कार्बन क्या है, कार्बन का क्या क्या बनता है, ठीक है ना। कार्बन किसे कहते हैं और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना होता है, ठीक है, कार्बन के बारे में पढ़ना है। जो कि आ जाएगा 11th क्लास में, 11th में यानी इंटर में, तो इसके जो IEC पढ़ेगा लोग वहाँ पर जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी उसका एक किताबें आ गई इतना मोड़ का, ठीक है ना, उसमें केवल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। कंपाउंड्स क्या है, यानी इसी का यही चैप्टर होगा, ठीक है ना, बस थोड़ा सा उसमें जानकारी ज़्यादा दे देगा, ठीक। नेक्स्ट में यहाँ पे है क्या कि तत्वों का आवर्त यानी मोडल यानी क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, यानी तत्व के बारे में, तत्व क्या होता है, कितने तत्व हैं। तो तत्व बता दिए, 118 तत्व खोज हुआ है जिसमें 114 किताब में छपता है, उसमें धातु है, अधातु है, उपधातु है, सब मिले हुए हैं। लास्ट यहाँ पढ़ना है कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी यहाँ पढ़ना है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधक, यानी प्राकृतिक मतलब क्या होता है, गॉड गिफ्टन, यानी गॉड गिफ्टन प्राकृतिक किस तरह है, उसका संसाधन किस तरह होता है, इसके बारे में सब डिटेल्स करना है। ओके, कोई दिक्कत।